जो सीबीएसई ने निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी की बैठक के पश्चात बोर्ड की जो परीक्षाएं जो जिस प्रकार से वहां पर उन्हें स्थगित सीबीएसई की जो परीक्षाएं जो है उन्हें रद्द की जहां तक हिमाचल प्रदेश बोर्ड की बात है उसी तर्ज पर हम आगे सारी चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि अभी तक बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए कोविड के कारण जो सिचुएशन हमारे सामने है वो स्थिति नहीं है। ऐसी सूरत में निर्णय तो अंतिम हम इस सिलसिले में 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक में लेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा फीडबैक भी ले रहे हैं डिपार्टमेंट से भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, और आज मैंने एजुकेशन सेक्रेटरी और उनके साथ दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत की है और उसके बाद अगला निर्णय हम कैबिनेट की बैठक में करेंगे। देखिए इस बात को लेकर मुझे लगता है कि हमने बार बार आपके सामने बड़ा स्पष्ट किया है कि जहां तक वैक्सीन जो फ्री वैक्सीन हमारी 45+ जो लग रही है उसमें हम बहुत बेहतर ढंग से सारी चीज़ों को चला रहे हैं, कहीं भी किसी तरह से उसमें कठिनाई नहीं है। और जहां तक 18 से 44 साल की बात है उसमें उपलब्धता के विषय को लेकर के हमने टेकअप किया है, हमने कंपनी से आग्रह किया है कि हमको ज़्यादा दिया जाए। पहले 1,07,000 वैक्सीन उपलब्ध कराई थी उनने और उसके बाद हमने जब दोबारा टेकअप किया इस मामले को कि और ज़्यादा चाहिए क्योंकि यूथ में रुझान भी है और यूथ बहुत उत्साहित भी है और इस वैक्सीन के नंबर को बढ़ाया जाए, तो 1,77,000 वैक्सीन देने की उनने जो है वो उनने कहा कि हम दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम तेज़ गति से करना चाह रहे हैं और जो कंपनी की ओर से हमें संदेश आया है कि जून के महीने के साथ बीच में इसके पश्चात ये उपलब्धता और बढ़ेगी और उसके बाद ये सारा जो है वो जो जिसको लेकर के आप ये जानकारी चाह रहे हैं इसका समाधान हो जाएगा। 45 जो जो बची हुई वो तो लगेंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम जितनी जितनी जरूरत हम महसूस कर रहे हैं उसको हमने कहा कि भी आप हम उसको उपलब्ध करवाइए और जितना जल्दी उपलब्ध होंगी तो उतना जल्दी हम आगे बढ़ करके उसमें अभियान को पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी मेरा आप सबसे यही कहने का है कि फिलहाल उन्होंने कहा कि जून के महीने के पश्चात जो है इसमें जो है हम बढ़ाएंगे इसको। कोरोना की तीसरी लहर के लिए कल बैठक हुई और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ भी, क्या अनलॉक को लेकर क्या? क्योंकि अभी कैबिनेट की बैठक 5 तारीख को है और वैसे 6 तारीख तक हमने इसको लागू किया है, जो वर्तमान रिस्ट्रिक्शन वो जारी रहेंगी 6 तारीख तक और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में 5 तारीख को हम अगला निर्णय लेंगे कि क्या करना है। सर, कोरोना के मद्देनजर शिमला जिला और प्रदेश के दूसरे जिलों में भी जो आपका ग्लव्स और मटेरियल सप्लाई हो रहा है, पिछले दिनों शिकायत की आई थी जिसमें से 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और शिमला डिस्ट्रिक्ट में है कि यूज्ड ग्लव्स एंड स्टरलाइज ग्लव्स सप्लाई किए जा रहे हैं, क्या इसकी जांच की जाएगी? इसके साथ साथ जो सैनिटाइजर सप्लाई किया जा रहा है दैट इज नॉट अ सैनिटाइजर, वो कोई सुगंधित तुलसी का मिक्सचर सप्लाई किया जा रहा है जिसको डॉक्टर्स ने नेग्लेक्ट कर दिया है। देखिए ये जो ये जानकारी आपने जो दी है इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने कहा है और जैसे ही इसकी डिटेल्स मिलती हैं उसके बाद सुनिश्चित करेंगे, जो भी अगर गलत किया होगा उसमें इस तरह से उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, इसके साथ जुड़ता हुआ सवाल, सर से बहुल इलाका रामपुर बुशहर हो, रोडू या फिर निर्मणाली और किन्नौर के इलाके में सर नकली दवाइयां बेची जा रही हैं, सरेआम विभाग के अधिकारियों को लिखित में शिकायत देकर 1.5 महीना हो चुका है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। चलो ये आपने जानकारी उपलब्ध कराई, उसके बारे में जानकारी पहले हमको किसी और माध्यम से नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद जानकारी दी है आपने, इस पर जानकारी हासिल करी। सर, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनका एक मेजर डिमांड है जो उनका लर्निंग है दैट इज मूविंग टूवर्ड्स एनपीए,
अब उस सरकार का इंटरवेंशन चाह रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे हो, चाहे आरबीआई लेवल पे हो, इस पे सरकार क्या कोई निर्णय लेगी? वो आपसे भी पहले मिले हैं, उनकी और भी डिफरेंट डिमांड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, उनका एक एलिगेशन भी है जो केंद्र सरकार ने COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट जो आरटीपीसी रिक्वायर होता है वो बंद कर दिया था, इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार इसको इसके बिना सारी चीजों का आप जो पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना, हमारी मंशा मदद करने की है, लेकिन हालात उनको भी इस बात को लग रहा है, मुझे लगता है उनको भी समझ में आ रहा है कि आज की तारीख में परिस्थितियां क्या है। जहां तक उनके जो लोनिंग वाला इशू है, उसमें प्रदेश सरकार की ओर से क्या किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक उस प्रकार का प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है। प्रस्ताव आएगा उस पर विचार करेंगे। और जहां तक दूसरी बात कह रहे हैं, देखिए कोविड की पीक चल रही है और कोविड की पीक के दौरान इस तरह के प्रश्न भी मुझे लगता है कि तर्कसंगत नहीं है, और इस तरह की एक्सपेक्टेशन भी उन लोगों की तर्कसंगत नहीं है। उनको भी इस बात को समझना चाहिए, यहाँ जीवन का प्रश्न पैदा हुआ है। और ऐसी सूरत में सिर्फ मुझे यही कहना है कि हमारी शीर्ष प्राथमिकता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, जैसे नॉर्मल हमारी सिचुएशन आ जाती है, तेजी से जो है उसको पटरी पर लाना, उसको जो मदद जिस रूप में हम कर सकते हैं उस तरह से हम काम करें, और उसके बाद जो टूरिज्म में काम करने वाले जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनको रोजगार मिल सके और इंडस्ट्री अपने पांव पर खड़ा हो सके, ये हम कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक बात है, इस हालात में मुझे लगता है कि ऐसी बातों का कोई अर्थ नहीं है। जहां जिस प्रकार से वो उनकी एक्सपेक्टेशन है, उनकी अपनी भावनाएं, वो अपनी बात कहें, लेकिन नाराजगी जाहिर करना सरकार से ही करना, क्या सरकार ही सारी बातों के लिए जिम्मेवारी, उचित नहीं। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।